दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अब राउज एवेन्यू कोर्ट में एक याचिका दाखिल की। इस याचिका में जो मांग उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की पिछली याचिका में की थी, वही मांग इस याचिका में भी दोबारा दोहराई है, जिसके बाद कोर्ट ने ईडी को नोटिस भी जारी कर दिया है। राउज एवेन्यू कोर्ट की स्पेशल जज कावेरी बवेजा की कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई हुई थी। बता दें कि अब अदालत 1 जून को इस मामले की सुनवाई आगे करेगी। इस सुनवाई में ईडी की तरफ से पेश होने वाले एएसजी एसवी राजू ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि केजरीवाल पंजाब में प्रचार कर रहे हैं और मेडिकल ग्राउंड पर जमानत की मांग कर रहे हैं। गौरतलब है कि कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। केजरीवाल ने नियमित और स्वास्थ्य के आधार पर 7 दिनों की जमानत की मांग की है। ये याचिका नियमित जमानत के लिए लगाई गई है, जबकि केजरीवाल फिलहाल अंतरिम जमानत पर बाहर हैं और उन्हें 2 जून को सरेंडर करना है। अरविंद केजरीवाल को दिल्ली शराब नीति से जुड़े कथित भ्रष्टाचार के मामले में ईडी ने गिरफ्तार किया था। ईडी ने 21 मार्च को केजरीवाल को गिरफ्तार किया। कई दिन कस्टडी में केजरीवाल से पूछताछ की गई और 1 अप्रैल को उन्हें न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया गया था। इसके बाद करीब 49 दिन अरविंद केजरीवाल जेल में रहे। इस दौरान उन्होंने कई बार ईडी पर ठीक टाइम से दवा और इंसुलिन ना देने के आरोप लगाए। फिर जब चुनाव नजदीक आए तो केजरीवाल और आप सरकार ने चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत की मांग की और सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को केजरीवाल को जमानत दे दी। हालांकि कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ केजरीवाल को चुनाव प्रचार करने के लिए इजाजत दी। अब 1 जून को अरविंद केजरीवाल की जमानत खत्म हो रही है और 2 जून को उन्हें सरेंडर करना है। ऐसे में केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। केजरीवाल ने कोर्ट से अंतरिम जमानत को 1 हफ्ता बढ़ाने की अपील की थी, लेकिन कोर्ट ने इसे सुनने से इनकार कर दिया। केजरीवाल की तरफ से अपनी खराब सेहत का हवाला दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट से झटका मिलने के बाद अब केजरीवाल ने राउज एवेन्यू कोर्ट का रुख किया। यहाँ उन्होंने नियमित जमानत के लिए याचिका लगाई है। हालांकि यहाँ भी उन्होंने खराब सेहत का हवाला देते हुए जमानत बढ़ाने की मांग की है। उनकी पार्टी के कई नेताओं ने इस बारे में बात भी की थी। अरविंद केजरीवाल जी ईडी की कस्टडी में थे, जुडिशियल कस्टडी में थे, तो उनका 7 किलो वजन घटा था। जब वो बाहर भी आए हैं तो डॉक्टर्स की जांच के बाद इसका अभी कारण समझ में नहीं आया है, ना ही वो वजन फिर से उनका बढ़ा है। डॉक्टर्स ने जब टेस्ट कराया तो उनके कीटोन लेवल्स बहुत हाई निकले हैं। ये अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, सडन वेट लॉस, कीटोन्स लेवल का हाई होना किसी सीरियस बीमारी का इंडिकेटर हो सकता है, जिसमें किडनी की सीरियस प्रॉब्लम्स, यहां तक कि कैंसर जैसी बीमारी भी हो सकती है। तो डॉक्टर ने सजेस्ट किया है, मैक्स के डॉक्टर्स ने मुख्यमंत्री के चेकअप किए थे और उन्होंने एक एक्सटेंसिव हेल्थ चेकअप के लिए सजेशन दिया है। ये चेकअप इसलिए भी अभी इमीडिएटली जरूरी है क्योंकि जो ये सीरियस बीमारियां होती हैं उनका अर्ली डिटेक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। अर्ली डिटेक्शन होता है, बीमारी जल्दी पकड़ी जाती है तो इलाज जल्दी शुरू होके इंसान की तबीयत जल्दी ठीक हो सकती है। लेट डिटेक्शन होता है तो बीमारी आगे की स्टेजेस पर प्रोग्रेस कर सकती है।